नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं हाजिर हुआ कि नई जानकारी किसलिए, आज्ञा चक्कर तो खोलो, प्रत्यक्ष दर्शन तभी होंगे किसी चीज़ के जब आज्ञा चक्कर ही नहीं जागृत है, तो प्रत्यक्ष दर्शन कहाँ से होंगे। कुछ लोगों को साधना काल में ये अनुभव, ये संकेत होते हैं, जिनका आज्ञा चक्कर जागृत है उनको क्या चीज़ दिखेगी, जिनका आज्ञा चक्कर जागृत नहीं है उनको कैसे अनुभव होगा कि उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है। इसी वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तीन और चैनल है गुरु गोरखना शिव गोरक्षण होना चाहिए, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु हुआ कुछ एला को गुरु ने किसी के झांसे मत फंसना, सभी धर्मों का आदर्श कारमन करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, हर एक विधि आपको लिखित में मिलेगी sannynathsharma.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, स्क्रीन के ऊपर भी लिखा रहा और मेरे इंट्रो में भी आएगा। याद रखना, सबसे ज़्यादा वीडियो सन्नीनाथ चैनल पे आते हैं, तो सन्नीनाथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके रखना। जब भी लाइव हो फ्री में मेरे साथ बात कर सकते हो, और उसके अलावा 9984 चैनल है उसके ऊपर भी ज़्यादा वीडियो आते हैं, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। आज्ञा चक्कर के बिना जो लोग चलते हैं, साधना सिद्धि में लोग मंत्र उठाते हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, नए नए बच्चे या नए नए साधक इस चीज़ में घुसते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे चीज़ इतनी फैल गई है या ज्ञान के बारे में जिन लोगों ने बताया हुआ है, लोग बिना नियमों के जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं कभी सफल नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कोई साधना सिद्धि करते हो तो आप सही डिसीजन ले पाते हो कि मुझे कौन सा मंत्र जपना है। लोग तामसिक मंत्रों का उच्चारण घर पर कर लेते हैं, फिर बाद में उनको दुख तकलीफ होने लग जाते हैं, क्योंकि साधना सिद्धि में जब आप लोग चलते हो तो कई प्रकार की चीज़ें और कई प्रकार की शक्तियां हैं जो आपके घर में उस वक्त प्रवेश कर जाती हैं, जिनके कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तभी आपको किसी देवी देवता या किसी दैविक शक्ति या कोई भी शक्ति है जिसकी आप साधना करते हो वो आपको दिखती है, उसकी झलकी पड़ती है या आपको वो दिखती है। अगर किसी का आज्ञा चक्र या उसकी चेतना ही जागृत नहीं है तो उसको उस चीज़ के दर्शन नहीं होते हैं। मंत्र जप के दौरान जिन लोगों को उबासी आती है, आँखों में आंसू आते हैं, शरीर झूलने लग जाता है यानी झूलता है, आगे पीछे लहरता है, लहर चढ़ती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर पे ऐसे लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं, उन लोगों के मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो रहे हैं, उनके मंत्र पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का अंजना चक्र यानी कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे देवता उनके इर्द गिर्द है। जिन लोगों का ध्यान लगता है, जिन लोगों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, जब वो आँख बंद करके जब करते हैं उनको वो चीज़ उनके सामने ही दिखाई देती है, उनकी झलकी पड़ जाती है और वो उनको महसूस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और आज्ञा चक्र खोलने के लिए ध्यान और कुंडलिनी शक्ति के आप मंत्र जप सकते हो, जिनका कि पूर्ण रूप से आपको उच्चारण करना पड़ता है। उस जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर लेना आप sannynathsharma.blogspot.com, उसके ऊपर मंत्र लिखित में मिल जाएंगे और टैग जाके देख लेना कुंडलिनी शक्ति, उसमें आपको विधियाँ बताई है, उन विधियों के आधार पर आप चल के आप अपना अंजना चक्र की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ में मंत्र जप भी आपको अनुभव जरूर होंगे। फ्री चैट के लिए चैनल तक ही सीमित रहे। आदेश जय गुरु अलख।